अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। वाह वाह वाह, बड़ी खुशबूएं आ रही हैं। बड़ी देर लगा दी आपने, यकीनन ईद की नमाज तो निकल गई होगी। हमेशा की तरह। भाई बेगम, ये बात तो आपको मानना होगी कि मैं ईद की नमाज मिस नहीं करता। चाहे सोसाइटी की मस्जिद की नमाज निकल भी जाए, लेकिन फिर भी मेरे पास पूरा चार्ट होता है कि कब और कहाँ कितने बजे नमाज मिलेगी। चार्ट बनाने की फुर्सत है आपके पास, मगर ईद के दिन जल्दी उठा नहीं जाता आपसे। अच्छा, मीठा तो खिलवाइए। जरूर, क्यों नहीं। वाह वाह भाई। यार डॉक्टर, ये मेडिकल पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा शीरकुरमा बनाना कहाँ से सीख लिया? पापा, मम्मा नानो से पूछ कर बनाती, उनको नहीं बनाना आता। ओहो बाबा, नमाज भी हो गई, घर भी आ गई मेरी ईदी। अरमान साहब, आपकी ईदी तैयार है, आपको ईदी बिल्कुल मिलेगी। यार बाबा, मेरे हम दादू के घर जाएंगे, फिर नानो के घर जाएंगे। नहीं बेटा, आज हम कहीं कैसे जा सकते हैं? आज आपकी मम्मा को तो हॉस्पिटल जाना है, जो कि बहुत जरूरी है। अरे बास, अरमान तो बच्चा है, कम से कम तुम तो इस फोन में बात मत करो, जाना जरूरी है, मैंने बताया तो था। यार मैंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं ना, फिर? अरमान मेरा बच्चा, मम्मा शाम को जल्दी आ जाएंगी, फिर आप जहाँ बोलोगे ना हम वहीं चलेंगे, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम मम्मा, कैसी हैं आप? तुम्हारे बगैर कैसी ईद गुजरी? यकीन करो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तुम्हें पता नहीं क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में रहकर हाउस जॉब करने की, यहाँ आ जाओ। ओहो मम्मा, पाकिस्तान में मरीज सिर्फ बीमार नहीं होता, बाज़ुका तन्हा भी होता है। मैं यहाँ रहकर इंसानियत के खातिर कुछ कर तो सकती हूँ, वहाँ वेस्ट में मेरी क्या ज़रूरत? बस हर बात की दलील है तुम्हारे पास। अच्छा ना, आप ये बताएं पापा कहाँ हैं? वो भी घर से बाहर गए, आते हैं तो तुम्हारी बात कराती हूँ। ओके मम्मा, चलें अब मैं हॉस्पिटल चलूंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक बुआ। खैर मुबारक, बीती रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, दूधो नहाओ पूतो भलो। क्या आज भी हॉस्पिटल जा रही हो? जी बुआ, इतनी लंबी दुआ के बाद भी आप हॉस्पिटल का जिक्र नहीं भूली। है बिटिया, ऐसा क्यों नहीं करती, इतना बड़ा घर है, मरीज यहीं ले आओ, इसे अस्पताल बना लो। अरे वाह बुआ, ये तो बहुत टेस्टी है। अरे ये अपनी बिटिया के लिए बनाए हैं, क्यों नहीं टेस्टी होंगे भला। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। हाथी लगाओ, मैं खुद खिलाऊंगी, लाखों जरासीम होंगे तुम्हारे हाथों में, खुद भी बीमार पड़ोगे दूसरों को भी करोगे। चलो मुंह खोलो। अरे भाई अस्पताल में है तो बीमार होने का क्या डर, और अगर हो भी गए तो फौरन आपसे ड्रिप लगवा लेंगे। पता नहीं क्या ऑल फॉल बोलते रहते हो, तुम्हें तो बातें करने का मौका चाहिए, चलो सफाई पे ध्यान दो। तो गई है। ये भी खूब है, हमें जरासीम से डरा रही है। जरासीम तो हमसे खूब डरते हैं मैडम, लाखों जरासीम रोज मारता हूँ, जरासीम ने हमारा क्या बिगाड़ना है। आई एम राजू, जरासीम किलर। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद। डॉक्टर्स हो या अस्पताल में काम करने वाला दीगर अमला, फर्ज इनके नजदीक त्योहार से ज्यादा अहमियत रखता है। जहां हम सब ईद की खुशियों में मगन हैं, वहीं डॉक्टर ऐना और उनकी टीम
अपने फर्ज और मरीजों की दिलजोई के लिए अस्पताल आ पहुंचे हैं। घर पे तो बेटे साहब का मूड खराब और उनके मूड को मजीद खराब करने में मेरे शौहर का बड़ा हाथ है। फैमिली होती है तो प्लानिंग तो होती है ना डॉक्टर आना। मेरी तो फैमिली यहाँ नहीं है तो कोई प्लान्स नहीं है। तो मॉम डॉक्टर सुधा, वी आर अ फैमिली राइट? अच्छा माशाल्लाह, तो यहाँ भी फैमिली का तस्करा चल रहा है। आपसे टाइम पर आने की मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं रखी थी, बट यू आर ऑन टाइम। I'm impressed. भाई जल्दी इसलिए आए हैं ताकि जल्दी फ्री हो सके। उसके बाद बेगम को मैके लेकर जाना है, वो भी तो एक ड्यूटी है। That's not fair, Dr. Faisal. बेगम को मैके ले जाना आप ड्यूटी समझते हैं? जी हाँ, वो भी सरकारी। So sweet. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद मुबारक। ईद मुबारक। डॉक्टर सिद्रा कैसी हैं आप? कैसी हैं निकिता? मैं आराम से हूँ, तू अभी क्यों आ गया? घर जाता, मिलने मिलाने वाले आए होंगे। मेरी तो तुझसे झल्ले, और मैंने की करना लोगों से मिल मिला के। मेरी गला सुन, आज मैं सारा दिन तेरे पास ही रहूंगा। अब्बा मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा तेरे साथ, आदत डाल ले। मैं मारूंगा तुझे, अबे गली ना कड़ा कर, ठीक होना है। डॉक्टर नाल मेरी बात हुई है, जिते फिर ऐसी बात की ना तो फिर देख। तारिक पर जवानी अभी मुकम्मल तौर पर आई भी नहीं थी कि उसे कैंसर ने जकड़ लिया। बाप का इकलौता सहारा इस वक्त अस्पताल में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। तारिक के बाप को किसी मुआवजे का इंतजार है। उसे आज भी उम्मीद है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब्बा तूने इस बार मुझे ईदी नहीं दी। अच्छा ना दे, दीदी मांग ली तो रोने लगा। अच्छा हो जाए तेरे लिए ईदी ईदी। एक सेकंड मैं पता करता हूँ। हाँ रमीज, सब हो गया है? ठीक है, हम आ रहे हैं। चलें? चलिए जी, आइए। बेगम मीठा तो ले आओ। हेलो बेटा। ईद मुबारक अबू। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक तुम्हारा फोन क्यों नहीं आया। अबू वो मैं ईद की नमाज पढ़ने गया हुआ था, वो मिनास के अम्मी अबू आ गए थे तो उनके साथ बैठना पड़ गया मुझे। वो अब तो रात में ही बात होगी, क्योंकि मिनास के अम्मी अबू के यहाँ लंच है और फिर रात में निकलते निकलते काफ़ी वक्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से आ जाना शाम को। जी जी अबू, चले मैं रखता हूँ, बाहर कोई आया है।
ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। तुम अपना ख्याल रखना और फहद से कहना दादा याद कर रहे थे। अल्लाह। जमाल साहब एक रिटायर्ड बैंकर हैं। रिटायरमेंट पर जो रकम मिली उससे बेटे को कारोबार करा दिया। कुछ अरसे से दिल की बीमारी में मुब्तला हैं। अभी कुछ दिन पहले एंजियोप्लास्टी हुई है। बेटा बहू मुतमईन हैं कि अब्बू ठीक हो गए हैं, इसीलिए ईद पर मसरूफियत के बायस वक्त नहीं दे पा रहे। इन्हें ये नहीं पता कि एंजियोप्लास्टी धड़कने तो मामूल पर ले आती है लेकिन तन्हा दिल को आबाद नहीं कर पाती। बेटा था मेरा, अकेला है ना घर पर, दस मिलने जुलने वाले आकर सब मेरी खैरियत मालूम कर रहे होंगे, इसलिए नहीं आ सका। अफसोस कर रहा था पिघला। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। ये भाई आपके लिए। कैसी तबीयत है? बेहतर है। चलो गुड। अस्सलामुअलैकुम, ये लो भाई तारीफ। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारे कुर्ते का तो जवाब नहीं है, बहुत बेहतरीन कुर्ता पहना है तुमने। डॉक्टर साहब कल ही मैंने कुर्ता खरीदा तारीख रोड से अपने पुत्र के लिए। क्या बात है, बहुत मजे आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। भाई आज तो इस लड़के ने बड़ा सख्त कंपटीशन दे दिया। वो कैसे? मैं तो समझ रहा था कि आज हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा अच्छा मैं ही लग रहा हूँ। और सुनाइए जमाल साहब, दर्द दिल को कुछ आराम मिला? अरे भाई दर्द दिल है डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे चला जाएगा जब तक कोई दूसरा चुरा के ना ले जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कैसे हो आप? ठीक हो? तबीयत कैसी है अब? ये लो। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले कहाँ जाओगे? स्कूल जाओ। पापा बिलीव मी, आज मैं हॉस्पिटल आई हूँ तो मुझे ईद का असल मैसेज समझ में आया है। यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें जरूरत है हमारी। पापा प्लीज, अब आप तो बुआ की बातों में मत आए ना। मिस यू टू पापा, लेकिन प्लीज अब मुझे इमोशनल मत कीजिएगा, मुझे अभी बहुत सा काम करना है। टेक केयर पापा, अल्लाह हाफिज। रिसेप्शन किधर है? हैं जी? मैंने कहा रिसेप्शन किधर है? इधर आप घूम रहे हो बैठ के। हाँ वो आप यहाँ से मान जाएंगे ना तो फिर दाएं हो जाएगा, रिसेप्शन आ जाएगा। सब खैरियत तो है भाई? अरे भाई क्या खा खैरियत है यार, लोग मामूली सी बातों पे अस्पताल में दाखिल हो जाते, आयादत के लिए फिरते फिरो, पूछो तो मुसीबत ना पूछो तो मुसीबत। वाह रे रिश्तेदार, अबे चल राजू काम में लग जा, किसी ने देख लिया तो नौकरी चली जाएगी।
जिस चीज को आप मामूली समझकर छोड़ आए, जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। खतरे की बात तो नहीं है ना, मेरा बेटा सही हो जाएगा। अरे मुझे मिलने तो दो, मुझे वहीं बैठा रहना। तो देखिए आप इस तरह परेशान मत हो, मामूली सी इनको स्थिति लगे, इंशाल्लाह आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने मना भी किया था लेकिन ये सुनने किसी की नहीं है। आप ऐसे मत रोए, आप फिक्र क्यों कर रही हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो ठीक है। आप तसल्ली रखें, हम देख रहे हैं ना उन्हें। कैसे? अरे क्या बताऊं, किसी की सुनते ही नहीं है, जिद करके ऊपर चढ़ गए छत पे, इतनी ऊपर से गिरे। कौन समझाए इम्तियाज भाई को, ईद का दिन है, मजाल है किसी काम में टांग ना अड़ाए वो। अस्पताल का भी अपना ही माहौल होता है, दिन चाहे कोई भी हो, अस्पताल के शबो रोज में कोई बदलाव नहीं आता। बीमारी, हादसा और आदत यहाँ ऐसे ही रहते हैं जैसे के आम दिनों में। डॉक्टर एना एक एमरजेंसी है आप एमरजेंसी में फोन पहुंचिए। इनके साथ कोई अटेंडेंट है? हाँ, एक बंदा तो है ना, जिसका फ्रेंड है। ठीक, ब्लड प्रेशर शूट अप टू 150-100, इमीडिएटली इंजेक्ट आई वी फ्लोसोमाइड। डॉक्टर सिज्जा, इमीडिएटली शिफ्ट द पेशेंट टू द स्किन और एक्सरे। मुझे पता ही नहीं, बस इस पर नमाज पढ़कर आया और चुप चुप सा था और बस बैठे बैठे अचानक इस तरह के दौरे पड़ गए। डॉक्टर साहब, रात में क्या बाइक से अचानक एक्सीडेंट हुआ था, मामूली खराशी आई थी जिनको दरुस्त कर दिया। मामूली खराशी? उसका सर यकीनन किसी चीज़ से टकराया है, हेलमेट तो पहना नहीं होगा। जिस चीज़ को आप मामूली समझकर छोड़ आए, जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। खतरे की बात तो नहीं है ना, मेरा बेटा सही हो जाएगा। अम्मा सीटी स्कैन और टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाने दें, उसके बाद ही मैं आपसे बात करने के लिए ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हूँ। अपने आप को संभालिए अम्मा, अल्लाह से दुआ कीजिए। कितना तुम लोगों को समझाती थी कि बाइक को इस तरह रोड पे नहीं दौड़ाओ, लेकिन तुम लोग एक नहीं सुनते। मेरे बच्चे दे दी मेरा बच्चा, अल्लाह मियाँ तो टीवी देखा जा रहा है। मैं क्या करूं, उन्होंने बोला था 4 बजे तक आएंगे, 6 बज गए हैं। बेटा मम्मा बिजी होंगी, जब ही नहीं आई। अब उनसे फोन करके बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई अरमान ना तुमसे बहुत नाराज है। अरबाज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, मेरा आना तो मुश्किल होगा। आप एक काम करो, अरमान को लेकर अम्मी के घर चले जाओ, मैं जैसे ही यहाँ से फ्री होंगी मैं आप लोगों को वहीं ज्वाइन कर लूँगी। ओके, टेक केयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चले बेटा, हम दादू के यहाँ चलें।
मम्मा वहीं पहुंच रही हैं, ठीक है? ओके, आ जाओ। मेडिसिन आप फार्मेसी से ले आइए। डॉक्टर, मेरा बाबू ठीक तो है ना? अरे आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तसल्ली रखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह ठीक साबित हुई। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। बट डॉक्टर फैसल, आई वांट टू आस्क वन थिंग। ये जो पॉइंट है, चूंकि ये ब्रेन इंजरी है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, तो ये क्लॉट्स इस समय से क्यों यहाँ पर स्टेन हो गए? ये देखिए, ऑन द पैराइटल लोब यू हैव सीन द क्लॉट। जी डॉक्टर। आपकी फैमिली से कोई और आ सकता है? आई मीन योर हस्बैंड। नहीं, मेरे शौहर तो मुल्क से बाहर है, बस मैं ही यहाँ हूँ। क्या हुआ उसको? मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए, जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे थोड़ा हौसले से सुनिएगा। आपका बेटा ठीक नहीं, दिमाग पे अंदरूनी चोटें लगने की वजह से उसके सर में खून जम गया है, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं। जी क्या होता है डॉक्टर? देखिए, अगर खून बह जाता तो ठीक था, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ है तो इस वजह से उसे पेट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उसका फौरन ऑपरेशन करना होगा। अगर हमने उसका ऑपरेशन नहीं किया तो आपका बेटा कोमा में भी जा सकता है। तो डॉक्टर, आप करो ना उसका ऑपरेशन। देखिए, ऑपरेशन तो करना है, वो तो कंपलसरी है, लेकिन आपको बताने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आप अपने बेटे के लिए दुआ कीजिए। ठीक है, तो हौसला करें और अपने बेटे के लिए दुआ कीजिए। देखा, यही नतीजा होता है तेज बाइक चलाने का। देखा तूने? एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर। ऑपरेशन से पहले आपके सिग्नेचर। आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी तो हो गई है, लेकिन आपके बेटे को अभी मजीद 8 घंटे और निकालने हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को घर जाना चाहिए। But Dr. Faisal, he is not okay. I know. मैं हूँ यहाँ। आप लोग चलिए। सर, मैं भी यहीं हूँ। इसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर सिद्रा। 8 घंटे से पहले कुछ भी नहीं करना। आप लोग जाइए, take rest। सुबह आ जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाएगा। ओके देन, सुबह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। आई एम सो सॉरी अरबाज, तुम्हें तो पता है ना कितना कॉम्प्लिकेटेड केस था। मेरा रुकना वहाँ बहुत ज़रूरी था। इट्स ओके, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी बना के लाता हूँ। सारा पेशेंट इज स्टेबल नाउ। सॉरी यार, मैं नहीं आ सका। ये बात तो मैं पहले ही जानती थी। जब डॉक्टर से शादी की तो रोना कैसा। अच्छा ये बताया, आपने कुछ खाया? नहीं अभी तो नहीं खाया, ऑर्डर किया है, खाता हूँ थोड़ी देर में। तुमने खाया? जी बस अभी थोड़ी देर में खा लूंगी। कैसी तबीयत है बाबर? ठीक है डॉक्टर। अच्छा बाबर, अपनी आइज को मूव कीजिए अपने डफ पर। एक्सलेंट, अब ऊपर की तरफ, शाबाश। अब नीचे देखिए, ज़बरदस्त। बाबर कहाँ हुआ था एक्सीडेंट, किस जगह? महमूदाबाद की तरफ। हाँ भाई, कहाँ की तैयारी है? अबे यार, तेरे पास ही आ रहा था। क्यों भाई, खैरियत? कोई जरूरी काम था? अरे यार, तूने तो बोला था इस रात को तो शॉपिंग पे चलेंगे। और उसके बाद तेरी हरकतें देख के मैंने भी तुम्हें कुछ कहा था। भाई क्या बच्चों वाली बातें करता है यार। नहीं भाई, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। अबे अगर जिंदगी प्यारी है तो अपनी बाइक पे चलना। अबे मुझे तेरे साथ नहीं जाना। देख अरसलान, मैंने अम्मी को बोला है कि तेरे साथ जा रहा हूँ। तो अब बता दे कि अरसलान नहीं चल रहा। यार ये तू मिन्नतें क्यों करवाता है? देख ले, तेरा काम है। तभी तो बोल रहा हूँ यार, एक शर्ट पर चलूंगा। हाँ बोल, कौन सी शर्त है? तू बाइक इंसानों की तरह चलाएगा। डन है, चले। अगर मुकर गए तो? अरे यार नहीं मुकरूंगा, चल। हाँ भाई, आज तो कोई शिकायत नहीं ना मेरी ड्राइविंग की? हाँ आज बाइक उसने इंसानों की तरह बाइक चलाई है। यार तू बुजदिल बहुत है। हाँ हाँ बुजदिल डरपोक सर मैं ही हूँ। देख मान लिया ना तूने। बेटा डर उस दिन से जिसमें कोई एक्सीडेंट हो। यार तेरा हुआ क्या? मेरा नहीं हुआ, बस पड़ोसी का जो हशर देखा था उसके पास से तौबा कर ली। देख भाई तू कुछ भी कह, मुझे अपने ऊपर यकीन है, तभी मैं चलाता हूँ। चलाता था अब नहीं। क्यों, किसने कह दिया? अभी तूने वादा किया था। अबे चल बे चल, आज तेरी दोस्ती की खातिर आया हूँ। क्या मतलब? मतलब देख, दो मुझे टेढ़ी की टेढ़ी रही।
देखा यही नतीजा होता तेज बाइक चलाने का, देखा तूने। वेल पावर टेक केयर। ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है कि उसे सारे वाकयात उसी तरह याद हैं जिस तरह हुए। हाँ, बट डॉक्टर फैसल, इसे कंप्लीट रिकवरी तो नहीं कहा जा सकता। आप तो जानती हैं डॉक्टर है ना, ये इतना आसान नहीं है। ये भी है। अल्लाह का शुक्र है कि सर्जरी कामयाब रही, लेकिन ये पहला स्टेज था। अभी ये मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुआ, अभी तो मरहला शुरू हुआ। क्या मतलब डॉक्टर? रिहैबिलिटेशन की तरफ जाना होगा, उसके बाद ही ये मुकम्मल सेहतियाबी की तरफ बढ़ सकेगा। इसको कितना अर्सा लगेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अर्सा 3 माह का भी हो सकता है और साल भर का भी। लेकिन आप परेशान नहीं हैं, अब ये खतरे से बाहर हैं। शुक्रिया डॉक्टर। बास औकात किसी अमल को छोटा समझकर छोड़ देना एक लंबी अजियत का बाइस बन जाता है। बाबर ने भी ऐसा ही किया, पहले हेलमेट को नजरअंदाज कर दिया, फिर लगने वाली चोट को भी मामूली समझा। नतीजा ये निकला कि जो दिन ईद का था वो कर्ब का सामान बन गया और अब शायद पूरा साल बाबर को रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरना पड़े कि वो मुकम्मल सेहतयाब हो सके। क्या ही अच्छा होता कि मोटरसाइकिल पर बैठने से पहले उसने हेलमेट पहन लिया होता।